going to sign three memorandums right now. The first one is withdrawal. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक विज्ञापन से अमेरिका में रह रहे हिंदू वोटर आकर्षित होने की जगह नाराज हो गए। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को हिंदू समुदाय से माफी मांगनी पड़ी। रिपब्लिकन ने टेक्सास प्रांत के हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए एक विज्ञापन में भगवान गणेश की तस्वीर का इस्तेमाल किया था, जिससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई थी। इस तस्वीर को गणेश चतुर्थी के मौके पर एक अखबार के विज्ञापन में छापा गया था। इसके साथ लिखा था, क्या आप एक गधे की पूजा करेंगे या हाथी की। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, जबकि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है। भारतवंशी समुदाय ने एक भारतीय अमेरिकी अखबार में छपे इस सियासी विज्ञापन में भगवान गणेश की तस्वीर के इस्तेमाल को अपमानजनक करार दिया था। रिपब्लिकन पार्टी की जिला इकाई फोर्ट बेंड काउंटी ने इसके लिए माफी मांगी और साफ किया कि इसका किसी भी तरह से हिंदू रीति रिवाजों या परंपराओं का अपमान करने का मकसद नहीं था। ह्यूस्टन के अधिकार समूह हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने फोर्ट बेंड काउंटी रिपब्लिकन पार्टी से विज्ञापन के लिए माफी मांगने को कहा था।